नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 शुरू होने से पहले चर्चा में बना हुआ है। इस शो में टीवी के कई बड़े सितारे नजर आने वाले जो रोहित शेट्टी के सामने खतरनाक स्टंट करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर अब तक कई सेलेब्स का नाम सामने आया है जिन्हें शो के मेकर्स ने अप्रोच किया, लेकिन अब इस शो के कंफर्म्ड कंटेस्टेंट्स के नाम भी लीक होने शुरू हो गए। मेकर्स की तरफ से अब तक किसी सेलेब के नाम पर मुहर नहीं लगी, लेकिन कुछ स्टार्स ने खुद सामने आकर बताया है कि वो खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा बन रहे। अर्जित तनेजा टीवी के हिट एक्टर हैं जो कुमकुम भाग्य के लिए जाने जाते हैं। अर्जित खतरों के खिलाड़ी 13 में अपनी एंट्री कंफर्म कर चुके हैं। साउंडर्स मौफकीर के लिए खतरों का खिलाड़ी काफी बड़ा शो है। वो इससे पहले स्प्लिट्सविला सीजन 14 को जीत चुकी है। अब खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के लिए उनका नाम कंफर्म हो चुका है। अंजुम फकीर भी इस शो में अपनी एंट्री की जानकारी दे चुकी। एक्ट्रेस सीरियल कुंडली भाग्य में काफी समय से नजर आ रही थी, लेकिन अब एक्ट्रेस ने इस शो को टाटा बाय बाय कर दिया। रूही चतुर्वेदी का नाम भी लिस्ट में शामिल है। वो कुंडली भाग्य में काफी समय तक नजर आई थी, लेकिन एक्ट्रेस काफी समय से स्क्रीन से दूर है और अब खतरों से खेलती नजर आएंगी। अंजलि आनंद भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 में आने के लिए पूरी तरह तैयार। अंजलि कुल्फी कुमार बाजेवाला और 2.5 किलो प्रेम में नजर आ चुकी। बिग बॉस 16 में नजर आए शिव ठाकरे रोहित शेट्टी के शो के पहले कंफर्म्ड कंटेस्टेंट हैं। शिव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो इस रियलिटी शो में आने की तैयारी कर चुके हैं। अर्चना गौतम की एंट्री भी खतरों के खिलाड़ी में कंफर्म हो चुकी। अर्चना को पॉपुलैरिटी बिग बॉस 16 से मिली थी, लेकिन अब एक्ट्रेस खतरों का सामना करती नजर आएंगी। नारा बनर्जी सीरियल पिशाचिनी और दिव्या दृष्टि में नजर आ चुकी, लेकिन अब वो रोहित शेट्टी का टॉर्चर झेलेंगी। नारा ने भी एक इंटरव्यू में अपनी एंट्री का खुलासा किया था। शरद मल्होत्रा और जिज्ञासा सिंह ने टीवी इंडस्ट्री के हिट सीरियल्स में काम किया, लेकिन अब ये दोनों भी इस शो में नजर आ सकते हैं। इन दोनों कलाकार की मेकर्स से बातचीत जारी है। वही नकुल और दिशा परमार के नाम पर भी फिलहाल चर्चा हो रही है। बता दें कि रोहित शेट्टी का ये शो जून से टीवी पर दस्तक देगा। बताया जा रहा है कि मई से अर्जेंटीना में शो की शूटिंग शुरू की जाएगी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 दर्शकों का दिल जीतने में कितना कामयाब हो पाता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।